बसमिलीम अलैक्म डी स्टूडेंट्स हम नमेरिकल कर रहे थे कल तकरीबन हाफ नमेरिकल्स हमने किए थे आज का हमारा लेक्चर लेक्चर नंबर सिक्सटीन है एट्थ नुमेरिकल है स्टार्ट करते हैं इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट आयल ट्रोप्रेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स फाइव मिलीमीटर अपार्ट डी आपको दे दिया है जो प्लेट्स के दरम्यान सेपरेशन है द प्लेटेज इज एडजस्टेड टू एक्जैक्टलीवन एटी वोल्टे पोटेंशियल डिफ्रेंस सेवन एटी वोल्ट वी की वैल्यू दे दी सो दैट द ड्रॉप्लेट इज हेल्ड स्टेशनरी द प्लेट वोल्टेज इज स्विस्ट डॉफ्ट एंड द सेलेक्टेड ड्रॉप्लेट इज ऑब्जर्व टू फॉल अ मैयर डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट फाइव मिली मीटर इन एलेवन पॉइंट टू सेकेंड टाइम भी दे दिया आपको गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द आयल यूज इज नाइन हंड्रेड किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी भी दे दी है इसको हम आमतौर पर रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को एंड द विस्कोसिटी ऑफ एयर ईटा एट लेबोर्टरी टेंपरेचर इज 1.8 पॉइंट एट इंटू टेंस पर माइनस फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर कैलकुलेट आपने क्या करना है द मैस एंड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट लंबी इसकी स्टेटमेंट है लेकिन बिल्कुल सिंपल है जो आपने मिली कंस आई ड्रॉप मेथड में फार्मूले पढ़े थे सारी वैल्यूज गिवन है जस्ट उनमें आपने सब्सिट्यूट करके कैलकुलेट करनी है मैथ का फार्मूला सफिर के लिए मैथ का फार्मूला होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब रो इसमें अब आर नहीं है आपके पास तो टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले से आर इज इक्वल टू तो नाइन ईटा वी टी ओवर टू रो जी और फिर इसमें वी टी की वैल्यू नहीं है एस इज टू तो वी टी फार्मूला यूज़ करके आप वी टी इज इक्वल टू तो एस ओवर टी इससे वी टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस वी टी को आर में सब्सिट्यूट करेंगे आर इज इक्वल टू तो नाइन ईटा वी टी ओवर टू प्रो जी तो यहाँ से जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो जो मैथ का फॉर्मूला एम इज इक्वल टू तो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब रो है उसमें सारी वैल्यूज अब हैं वो सब्सीट्यूट करके आप मैथ कैलकुलेट कर लोगे सेकेंड पार्ट है चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट इसके लिए वेट ऑफ़ द ड्रॉपलेट को इलेक्ट्रिकल फोर्स से हम बैलेंस करेंगे क्योंकि वो स्टेशनरी हो जाता है उस वक्त तो एम जी इज इक्ल टू क्यू ई तो ये वैसे डायरेक्ट फार्मूला भी आपने ड्राइव किया हुआ है क्यू इज इक्ल टू एम जी डी ओवर वी तो डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हो सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास एम जी डी और वी वो सब्सिट्यूट करके क्यू की वैल्यू कूलम्स में आपने कैलकुलेट कर लेनी है नाइन्थ न्यूमेरिकल है अ प्रोटान प्लेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ फाइव थाउजेंड न्यूटन पारकूलर डायरेक्ट टू राइट इज़ अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ टन सेंटीमीटर फ्राम ए टू बी कैलकुलेट इसमें फाइव पार्ट्स हैं आपने देख के इसको परेशानी होना बहुत आसान अमेरिकल है पेपर में आपसे एक इसका एक पार्ट पूछ लें दो पूछ लें तीन पूछ लें डिपेंड करता है एग्जामिनर पर पाँच भी आपको दे सकते हैं तो सिंपल एक से एक फार्मूले से फर्स्ट पार्ट होगा वही नेक्स्ट में वैल्यू यूज़ होती जाएगी और पांचों आप इसके पार्ट्स को इजीली फाइंड आउट कर लो कर लोगे कैलकुलेट ये इसकी लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है अक्सर बच्चे कहते हैं ये लंबी स्टेटमेंट है ये तो फाइंड आउट ही करना है आपने सारा कुछ सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है तो फर्स्ट आपने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस उसका फार्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला आपके पास है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी तो उसमें आपके पास E की वैल्यू भी इसमें है D की वैल्यू भी डेटा में गिवन है सब्सिट्यूट करके डेल्टा भी कैलकुलेट कर लें और नेगेटिव साइन का भी आपने साथ बताना है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इज अलोंग द डीक्रीजिंग पोटेंशियल। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में वर्क कैलकुलेट करना है वर्क का फार्मूला है आपके पास डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी तो इसमें आप substitute करें w आपके पास आ जाएगा, Q, delta v value substitute करके कैलकुलेट कर लें अब आपका जो प्रोटॉन है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है इट मींस उसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो वर्क डन बाय द चार्ज के इक्वल होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है वो नेगेटिव वर्क के वर्क इसमें हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव ऑफ वर्क के इक्वल होगी ऊपर आप वर्क कैलकुलेट कर चुके हो उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें तब भी ठीक है या डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा वी फार्मूला लगा के वैल्यूज लगाएं तब भी ठीक है दोनों तरह से कर सकते हो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है नेक्स्ट तो ये काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है जब पार्टिकल मूव करता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी क्यू डेल्टा वीक तो दोबारा वही फार्मूला आपने सब्सिट्यूट करके काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर लेना है फिफ्थ पार्ट में आपने विलोसटी फाइंड आउट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करते हुए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर होती है अभी काइनेटिक एनर्जी फोर्थ पार्ट में आपने कैलकुलेट की है मैथ आपको पता है प्रोटॉन का 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू पार माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम होता है ये आपने याद करना है गिवन ज़रूरी नहीं है कि आपको ये गिवन हो बाजू नहीं देते पेपर में तो आप वी को एक साइड पे कर लें रीअरेंज इक्वेशन को कार्नेटिक एनर्जी हाफ एम बी है वहां से वी इज इक्वल टू टू के ई बाई एम तो इसमें सारी वैल्यूट करके आप रेफरेंस पॉइंट एट इनफिनिटी डिटर्मिनट बाई विच पॉइंट चार्ज फोर इंटरसार माइनस एट अल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू मीटर वैन चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज इज नेगेटिव ये भी सिंपल फार्मूला आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू को हमने जस्ट क्यू सबसे चूट कर देना जब नेगेटिव है तो उसके साथ माइनस साइन लगा देना है पोटेंशियल का फार्मूला आपके पास क्या है वी इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एच लॉन क्यू ओवर आर तो जब चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू ओवर आर लिखेंगे जब नेगेटिव है तो इक्वेशन में सात माइनस आइन आ जाएगा उसी तरह से अब दोनों पार्ट को आप अलग अलग करें अगर दोनों पार्ट ही पेपर में आते हैं अगर एक आ जाए कि नेगेटिव का कर दें या पॉजिटिव का तो फिर आपने एक पार्ट को सॉल्व करना है चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है डिस्टेंस भी गिवन है कि ये वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आप याद कर लें बाजूकत पेपर में दी होती हैं बाजूकत नहीं दी होती तो आपने इसको याद करना है और फार्मूले में सारी वैल्यूज गिवन है सब्सिट्यूट करें और कैलकुलेट कर लें इसका रिजल्ट इलेवेंथ है इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट ऑफ फाइव पॉइंट टू नाइन टेंस माइनस इलेवन मीटर विद द स्पीड ऑफ टू पॉइंट वन एट इंटू मीटर पर सेकेंड अब इस न्यूमेरिकल में बुक में तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है लेकिन ये वैल्यूज़ आपने याद भी करनी है बेसिक वैल्यूज़ हैं बाजूकत पेपर में दे देते हैं बाजूकत नहीं देते द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट प्रोटॉन एक्ट एट दिस डिस्टेंस वी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट है सेकेंड है टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और थर्ड है आयोनाइेशन एनर्जी फॉर द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पहले वी पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वी इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एफ क्यू ओवर आर पिछले न्यूमेरिकल में भी किया है उसी से आप पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों नाम है इसके कैलकुलेट करोगे सेकंड पार्ट में टोटल एनर्जी ऑफ द एटम फाइंड आउट करनी है आपको पता है कुछ एनर्जी काइनेटिक होती है कुछ पोटेंशियल तो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वेयर होती है पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी के इक्वल होती है और यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रही है तो वो आपके पास माइनस क्यू डेल्टा वी के इक्वल होगी तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस ई वी अब सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं इसमें सब्सिट्यूट करके टोटल एनर्जी आप कैलकुलेट कर लें थर्ड पार्ट है ये पहले आपने नहीं किया हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी है द अमाउंट ऑफ़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द स्टेट एट इन्फिनिटी जब आयन बन जाता है ना कोई भी इलेक्ट्रॉन कह लें किसी एटम से हम रिमूव कर देते हैं तो जो उसकी ग्राउंड स्टेट है उससे लेके हम उसको बाहर ले जाते हैं तो इन्फिनिटी उसको कह दिया कि एन की वैल्यू इन्फिनिटी पे चली जाती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला होगा हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ़ द एटम विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ग्राउंड स्टेट तो आयोनाइेशन एनर्जी विल भी इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस ई ग्राउंड तो इन्फिनिटी पर जो एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी हमारे पास क्योंकि पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पर जीरो होता है तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वही जो पहले हमने कैलकुलेट की है वो होगी तो वो सब्सिट्यूट करके आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी